दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे अच्छे अच्छे होंगे आप लोग। और आज हम जानेंगे कि जो ग्रामीण शौचालय होते हैं उनका आवेदन कैसे किया जाता है, और उनका आवेदन अब आसानी से हो रहा है, कोई भी कर सकता है। और वो आवेदन आज जानेंगे कैसे होगा। तो हम लोग गूगल में जाएंगे, गूगल में जाने के बाद सर्च करेंगे पंचायती राज NIC.in, उस पर क्लिक करेंगे जो कि मेरे मोबाइल में पहले से ही मौजूद था। तो यहाँ देखिए पंचायती राज की मेन वेबसाइट पे जाएंगे, या फिर आप यहाँ से मेन वेबसाइट पे ही जाएंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ से दिखेगा, कहीं से भी जा सकते हैं। तो हम लोग मेन वेबसाइट पे चलते हैं, देखते हैं कैसे। तो देखिए खुल रहा है अभी, और देखिए यहाँ खुल गया है पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा है ग्राम प्रधान द्वारा पंचायत भवन और अत्योष्टि स्थल एवं व्यक्तिगत शौचालय की मांग के हेतु आवेदन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद खुलेगा। देखिए यहाँ पंचायत भवन के लिए, मतलब प्रधान जो पंचायत भवन है उन वो शौचालय आवेदन करने के लिए भी है, अंत्येष्टि स्थल की भी है, और व्यक्तिगत हम लोग को व्यक्तिगत में करना है क्योंकि स्वयं अपना करना है, तो व्यक्तिगत में करेंगे। और देखेंगे यहाँ जितने मतलब जो भी मांग रहा है आवेदन के प्रकार, तो टाइप करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन है आपका, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और यहाँ जनपद सेलेक्ट करना है सर, जनपद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आपका ब्लॉक, ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे, और ग्राम, और यहाँ राजस्व का नाम, राजस्व ग्राम का नाम जो भी, मतलब आपके विद्यालय, जैसे राजस्व ग्राम का नाम सबको नहीं पता, जैसे कई गांव जुड़े हैं ना, कई कई ग्राम सभा में कई गांव जुड़े रहते हैं, तो जो विद्यालय का नाम रहता है वही राजस्व गांव का नाम रहता है। और यहाँ पर देखिए हमें देख किसकी श्रेणी, और ये सब चीज़ें आप फिल करके आप कर सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ IFSC कोड, बैंक जो भी लगाना हो ये सब लगाएंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, और इसी तरह से आप शौचालय का लाभ उठा सकते हैं। अपने आपके दो किस्तों में आएगा आपका पैसा, एक 6,000 आएगा, एक 6,000 के बाद फिर आएगा। और जिन जिनका भी नहीं मिला, जिनको भी शौचालय नहीं मिला, वो आराम से अब ऑनलाइन ही घर बैठे अपने फ़ोन से ही कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आप फॉर्म फिल कर देंगे तो आपके ब्लॉक पे फॉर्म जाएगा, वहाँ से जो लोग अपना देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद आपका शौचालय पास हो जाएगा। धन्यवाद।